सिद्ध गणेश मंदिर उपश्चिम दिशा में गोपालपुर गांव में स्थापित है। गणेश मंदिर जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर है। पौराणिक कथा के अनुसार यह उज्जैन के विक्रमादित्य के समय का है और मराठा पेशवा बाजीराव के द्वारा नवीनीकृत किया गया है। प्रत्येक बुधवार बड़ी संख्या में भक्त यहां दर्शन को आते हैं। गणेश चतुर्थी त्योहार भी यहां लोकप्रिय है। इतिहास में यह कथा प्रसिद्ध है। जैसा कि आप सभी को भी ज्ञात है, भगवान स्वयंभू गौरी शंकर के लाल श्री गणेश जी महाराज का परम अद्भुत धाम सिद्धपुर सीहोर में विराजमान है, जो कि स्वयंभू श्री सिद्धि विनायक गणेश जी के नाम से सुप्रसिद्ध है। यहां महिमामय भगवान श्री गणेश अपने समस्त भक्तों की शुभ मनोकामनाएं विगत 400 वर्षों से पूर्ण करते आ रहे। हे भगवान का मनमोहक स्वरूप बड़ा ही मंगलकारी है। भगवान के मूल श्री विग्रह स्वरूप जो परम तेजस्वी अद्भुत सुखदायक श्याम वर्ण काले पाषाण की प्रतिमा रूप में शुभ लक्ष्य दिव्य मंगलकारी है, जिन्हें हमारे पूर्वज देवयज गावठी पंडित गोपाल प्रसाद व्यास महाराज के पूर्वज पेशवा काल में पार्वती नदी के एवं सिवती नदी के संगम स्थल से श्री बाजी राव प्रथम पेशवा जी महाराज की मनोरथ सिद्धि होने के उपरांत दिव्य समारोह के साथ समस्त सेना शिव नदी के तट पर बनाए गए देवालय में विराजमान करने पेशवा जी महाराज के परम सानिध्य में चल पड़े थे, किंतु पार्वती वासियों की इच्छा रखने के लिए नियत स्थान से पूर्व ही वर्तमान में जहां मंदिर है, अचानक रथ रुक गया और राजा ने अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ रथ को आगे बढ़ाने के कई दिनों के भरसक प्रयास करते समय रथ 2 भागों में विभाजित हो गया और श्री गणेश भगवान वहीं स्वयं विराजमान हो गए। राजा के अपनी चतुर रंगीनी सेना के साथ किए अथक प्रयास भी विफल रहे। चिंतन में पड़े महाराज पेशवा जी को स्वप्न में आदेश हुआ कि राजन माता पार्वती के भक्तों की इच्छा के अनुसार हम पीछे तो हट सकते हैं, किंतु आगे की ओर नहीं चलेंगे। तब तो दिव्य यज्ञ अनुष्ठान के साथ ही राजा पेशवा और तत्कालीन पुजारी पंडित गोपाल प्रसाद जी महाराज के पूर्वजों ने भगवान की आज्ञा शिरोधार करके श्री दक्षिण मुखी विराजे भगवान के लिए श्री यंत्र के कोण दिव्य मंदिर बनाने का निर्णय लिया। श्री जिसके अंतर्गत सबसे पहले पेशवा जी ने जल बावड़ी का निर्माण पूरा होते ही भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से यहां मेले का शुभारंभ बाजी राव प्रथम ने कराकर मंदिर की संपूर्ण व्यवस्था एवं भगवान श्री गणेश जी महाराज की सेवा पूजा के लिए पंडित गोपाल प्रसाद जी के पूर्वजों को पीठाधीश्वर बनाकर आस पास की भूमिया मंदिर को प्रदान की। तब से ही सीहोर का नाम सिद्धपुर पड़ा। सीहोर और मालवा क्षेत्र में मराठों का साम्राज्य व बोलबाला रहा। सिद्धपुर में बाजी राव प्रथम व मराठों ने शिवन नदी के दोनों तटों की ओर व आस पास के क्षेत्रों में शिवालयों और कई देवालयों का निर्माण कराया। शास्त्रीय प्राचीन मान्यता है कि परिक्रमा करते समय भगवान के पृष्ठ भाग पर उल्टा स्वास्तिक बनाकर अपनी शुभ मनोती मांगने से शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है।